दोस्तों, RBI की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। अब आपको अपने 2000 के नोट को बैंक में जाकर वापस करना होगा। अब ये न्यूज़ सुनकर कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ रहे होंगे। क्या 2000 का नोट बंद हो गया है? अगर हम अपने 2000 के नोट को बैंक में जाकर वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूँ कि 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है। इस 2000 के नोट को RBI के द्वारा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वापस मंगवाया जा रहा है। इस क्लीन नोट पॉलिसी को RBI एक्ट 1934 सेक्शन 24(1) भी कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि आखिर इंडिया में 2000 का नोट आया क्यों था। देखिए, जब नोटबंदी हुई थी और 500 और 1000 का नोट बंद हो गया था, तो RBI ने नोट की कमी को पूरा करने के लिए भारत देश में 2000 का नोट लाया था। और RBI ने इस कमी को 2017 के आसपास ही पूरे भारतवर्ष में पूरा कर दिया, जिससे 2000 के नोट की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसीलिए अब सरकार 2000 के नोट को वापस मंगवा रही है और इसे पूरी तरह से धीरे धीरे बंद कर देगी। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस नोट को बदलने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, सरकार ने अभी एक टाइमलाइन निकाला है, एक डेडलाइन निकाला है। वो डेडलाइन है 23 मई से 30 सितंबर के बीच आप अपने 2000 के नोट को किसी भी बैंक में जाकर उसे छोटे नोटों में एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये डेट बिल्कुल लास्ट डेट है, ये एक डेडलाइन, एक टाइमलाइन निकाला गया है। बाद में हो सकता है कि इस टाइम को बढ़ाया भी जाए, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 23 मई के बाद आप कभी भी किसी भी बैंक में जाकर अपने 2000 के नोट को आसानी से एक्सचेंज करा सकते हैं। बज़ाब्ते इसके लिए आपको बैंकों में एक अलग से विंडो दिया जाएगा, अलग से इंतज़ाम किया जाएगा, ताकि आप अपने नोट को आसानी से वहां पर एक्सचेंज करवा सकें। और हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक बार में किसी भी बैंक में सिर्फ 20,000 तक के नोट को ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। यानी कि 2000 के सिर्फ 10 नोट ही आप किसी भी बैंक में एक बार में एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास 2000 के बहुत सारे नोट हैं, तो आपको बार बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा।